मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन है उन सभी बलिदानियों को नमन करने का जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमें स्वतंत्र भारत देकर गए। आज का दिन है उन सभी माताओं को नमन करने का जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। आज का दिन है उन सभी बहनों को नमन करने का जिन्होंने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते भाई को विदा कर दिया। आज का दिन है उन सभी देवियों को नमन करने का जिन्होंने अपना सिंदूर पोंछ दिया, अपनी चूड़ियों को तोड़ दिया, लेकिन अपने पति के स्वाभिमान को नहीं टूटने दिया, उसके संकल्प को नहीं टूटने दिया। अपने हृदय में अपने दर्द को वो छुपा करके आंसुओं को पी गई, पर इस राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी सुहाग तक का बलिदान कर दिया। सभी बड़ों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग हमें जो आत्मविश्वास देकर गए, जो हमें स्वतंत्रता की सीख देकर और स्वतंत्र भारत देकर गए, उसको हम संभालें और आगे अपनी आने वाली पीढ़ी में भी यही भाव जगाएं कि तुम्हें भी इस भारत को संभालना है और भारत की अस्मिता को संभालना है। इस भारत माता के लहराते हुए इस चूनर को हमेशा हरा भरा रखना है। ये हमें आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है, ये भी देशभक्ति है। इसलिए मैं ये कहूंगी आप सभी से, स्वतंत्रता का पर्व मनाएं पर अपने कर्तव्य का बोध भी रखें। हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी और पूरी निष्ठा से समझते और करते हुए ये बात ध्यान रखें कि अपने बच्चों को ये सीख दो धर्म की, देश हित इनको जीना सिखा दीजिए और एक हो जाए मिलकर के छोटे बड़े, देश में प्रेम गंगा बहा दीजिए। जो अपने हैं उनको जुदा मत करो, गैर आए उन्हें अपना लीजिए। न बेबात अकड़ो किसी से कभी, बात पर शौक से सिर कटा दीजिए। और लाज हो गर तुम्हें अपने पूर्वजों की, तो नाद घर घर ये जाकर बजा दीजिए, नाद घर घर ये जाकर बजा दीजिए। आस्था चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आस्था परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आस्था परिवार की ओर से सभी आस्था के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। अपने घर में ही, अपने मन में भारत माता की छवि को धारण करते हुए और राष्ट्र की रक्षा में सदैव अपने आप को समर्पित करते हुए, मन में ये भाव धारण करते हुए, हम देश के साथ हैं, देश के हित में हैं, ऐसा भाव रखते हुए हम सब इस स्वतंत्रता पर्व को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।